गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, मैं राजेश्वरी आप लोगों को मैथ्स के क्लास में स्वागत कर रही हूँ। बच्चों, अभी तक हम लोगों ने शेप्स एंड डिजाइंस के बारे में पढ़ा था और शेप्स के अंदर हम लोगों ने ट्रायंगल, रेक्टेंगल, स्क्वायर एंड सर्कल के बारे में पढ़ा है। तो चलिए बच्चों, एक सुंदर सी कहानी के साथ एडजस्ट का भी पढ़ते हैं। मीता एंड हर फाइव फ्रेंड्स वेर प्लेइंग अ गेम। Tinku was blindfolded and asked to keep clapping as long as he wished, while the others would move around the table. बच्चों, यहाँ पे देखिए, पांच बच्चे एक गेम खेल रहे हैं, एक खेल खेल रहे हैं। वो कुछ इस तरह का है। यहाँ टिंकू नाम के एक लड़के के आंखों में पट्टी बांधा गया है और वो अपने हाथों को क्लैपिंग करता रहेगा, और जब तक वो क्लैपिंग करता रहेगा तब तक ये पांच बच्चे ये जो टेबल है टेबल के चारों तरफ घूमते रहेंगे, ठीक है। और जब वो अपना क्लैपिंग करना बंद कर देगा तब इन बच्चों को कोई एक कॉर्नर के पास खड़ा हो जाना है। बच्चों, आप लोग कॉर्नर कॉर्नर का गेम्स भी तो खेलते हो, आपको याद है ना कॉर्नर कॉर्नर वाला गेम्स हम लोग प्लेग्राउंड में खेलते थे। वेरी गुड, तो उसी गेम के अनुसार ही खेलना है। यहाँ पे खाली ये है कि इन लोगों को कोई एक कॉर्नर को टेबल का कोई एक कॉर्नर के पास रहना है, जो नहीं रह पाएगा वो आउट हो जाएगा। तो टिंकू के आंखों के सामने पट्टी बंधा हुआ है, और आप लोगों को तो बहुत ही पसंद है म्यूजिक चेयर, म्यूजिकल चेयर का गेम। जब तक म्यूजिक सर म्यूजिक चलाते रहेंगे तब तक आपको कुर्सियों के चारों तरफ घूमना है, और जब म्यूजिक बंद हो जाएगा तब आपको क्या करना है, कोई एक कुर्सी लेके बैठना है। बिल्कुल उसी तरह ये पांच बच्चे भी ऐसे ही एक खेल खेल रहे हैं, ठीक है। द मोमेंट टिंकू स्टॉप क्लैपिंग एवरीबॉडी वुड स्टॉप वेयर एवर दे वेयर। जब टिंकू क्लैपिंग करना बंद कर देगा इन लोगों को जहां है वहां खड़े रहना है। द चाइल्ड हु वॉज नॉट एट ए कॉर्नर वुड बी आउट। इन जो देखो बच्चा, बच्चों यहाँ पे ये जो टेबल दिया गया है ये कौन सी शेप में है बताओ। वेरी गुड, इट्स इन रेक्टेंगुलर शेप, ओके। और रेक्टेंगुलर्स के रेक्टेंगल्स का कितना कॉर्नर्स होते हैं? फोर कॉर्नर्स होते हैं। तो पांच में से कोई चार ही बच्चा एक एक कॉर्नर पे रहेंगे, और जो नहीं रह पाएगा वो आउट हो जाएगा। फिर उसके आंखों के सामने पट्टी बंधी जाएगी और वो अपना हैंड्स को क्लैपिंग करेगा, और ये गेम इस तरह आगे बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो अभी हम लोगों को देखना है कि देन सी वुड बी ब्लाइंड फोल्डर, जो नहीं रह पाएगा कोई एक कॉर्नर में, जो आउट हो जाएगा तो वो ब्लाइंड फोल्ड हो जाएगा, ठीक है। तो लुकिंग एट द पिक्चर गिवन अबव कैन यू टेल हु इज आउट। देखो बच्चों, यहाँ पे जो चित्र दिया गया है उसको गौर से देखो, और अब मुझे बताओ कि इनमें से आउट कौन हुए होंगे। वेरी गुड, गुड्डू, क्योंकि गुड्डू कोई भी एक कॉर्नर में नहीं है, लेकिन बंटी, मीता, राजा एंड छोटू ये सब लोग एक एक कॉर्नर पकड़ लिए हैं, लेकिन गुड्डू कोई भी कॉर्नर में नहीं है। तो आउट यहाँ पे कौन आएगा? गुड्डू, ठीक है। तो यहाँ आपको लिखना होगा, इसका आंसर हो जाएगा गुड्डू। ठीक है, वेयर इज गुड्डू स्टैंडिंग, वेयर इज गुड्डू स्टैंडिंग, बोलो। गुड्डू इज स्टैंडिंग हियर, इसको कहा जाएगा गुड्डू इज स्टैंडिंग इन वन साइड, कोई कॉर्नर नहीं होगा, गुड्डू इज स्टैंडिंग इन वन साइड, ठीक है। कैन दिस गेम बी प्लेड इन ए राउंड और अराउंड ए राउंड टेबल। बच्चों, ये दिया गया है कि अगर ये टेबल रेक्टेंगुलर नहीं होता और ये कुछ इस तरह का टेबल होता राउंड वाला, ठीक है, तो क्या ये गेम खेला जा सकता है? नो, इसका आंसर हो जाएगा नो। अब बताओ व्हाई, क्योंकि इसका कोई
बिकॉज इट हैज नो कॉर्नर्स। ये जो गेम है कॉर्नर कॉर्नर का गेम है, कॉर्नर में रहना है। लेकिन राउंड में कोई एक राउंड का शेप अगर हम लोग देखेंगे तो क्या इसमें कोई आपको कॉर्नर नजर आता है? कोई भी कॉर्नर नजर नहीं आता तो ये गेम खेला नहीं जा सकता है। ठीक है, ये सब आपको अपने कॉपी में करके देना होगा। अभी हम लोग एडजेस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पे एक बुक दिया गया है बच्चों, और बुक के देखो एड्स भी दिए गए हैं। ये जो एड्स है ये बुक के एड्जेस को बता रहे हैं। और यहाँ पे एक चेयर भी है, चेयर का भी एड्जेस आप लोग देख रहे हो। यहाँ पे एक काइट भी है, काइट का भी एड्जेस देख रहे हो आप लोग। ठीक है, तो अभी आप लोगों को मैं बताऊंगी एड्स दो तरह के होते हैं। एड्स कितने तरह के होते हैं? दो तरह के होते हैं। पहला हो गया, देखो एडजेस दो तरह के होते हैं और वो है स्ट्रेट। एक होता है स्ट्रेट, STRAIGHT। एक एड्स होता है स्ट्रेट एड्स, और दूसरा होता है कर्व्ड एड्स। ठीक है, दूसरा होता है कर्व्ड एड्स। अब आप लोगों को देखना होगा कि स्ट्रेट एड्स क्या होता है। स्ट्रेट एड्स वो होता है जो कि सीधा लगता है हमारे हैंड्स को, ये सीधा लगता है, दिस इज कॉल्ड ए स्ट्रेट एड्स। और कर्व्ड एड्स क्या होता है? जो कि राउंड शेप में रहता है। ठीक है, आप मुझे बताओ कौन कौन सी चीजें कर्व्ड एड्स में पाए जाते हैं? प्लेट, ठीक है, व्हील, बॉल, ये सब का एड्स कर्व्ड एड्स होता है। ठीक है, लेकिन जो स्ट्रेट एड्स वाले चीजें होते हैं वो स्लाइड करते हैं और रोलिंग नहीं कर सकते हैं। कर्व्ड एड्स वाले चीजें रोलिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो आगे का चैप्टर हम लोग आगे कल पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद आप लोगों को।